आज सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आज के वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस, जो गैमेटोजेनेसिस की जो मैकेनिज्म है, वेयर गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, इन विच ऑर्गन टेक्स प्लेस, आइदर मेल और फीमेल, इसके बारे में आज हम बताएंगे कि मेल और फीमेल में जो गैमीट बनने की जो क्रिया है वो किन अंगों में और कब होती है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस का क्या अर्थ है, इन्हें आप जानें। गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच मेल गैमीट लाइक स्पर्म, फीमेल गैमीट लाइक ओवम आर फॉर्म्ड इन टेस्टिस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली। गैमेटोजेनेसिस का अर्थ यही है कि जो नर जनन अंग है टेस्टिस, उसमें स्पर्म कैसे बनता है, और मादा जनन अंग जो ओवरी है उनमें ओवम कैसे बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज इन द केस ऑफ मेल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इन द केस ऑफ फीमेल ओजेनेसिस। इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस्टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस। You know, so many semiferestibules are present in testis. Which is varied from 250 to 750. माने एक टेस्टिस में 250 से लेकर के 750 तक सेमिनिफेरस्टिब्यूल प्रेजेंट। विद इन द सेमिनिफेरस्टिब्यूल इंटरनल लेयर ऑफ जर्म सेल विच इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इज द फर्स्ट सेल विच प्रोड्यूस स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट्स माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। हाउएवर दिस डिवीजन इज माइटोटिक, रिजल्टिंग ऑल द न्यू सेल्स आर हैविंग मदर सेल प्लॉइडी। इट मीन्स उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वह मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया के इक्वल होता है। बट ए ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया व्हिच स्टार्ट्स डिवीजन मियोटिक एंड दिस ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिवाइडेड रिडक्शनली एंड फॉर टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज एक्स, दिस इज 2x क्रोमोसोम नंबर। द प्लॉइडी ऑफ दिस सेल इज 2x एंड द प्लॉइडी ऑफ दिस सेल इज x एंड दिस सेल इज नंबर इन 2 which is produced by primary spermatocyte. Now, secondary spermatocyte having haploid number of chromosomes also divides mitotically or mitosis, and this is meiosis.
meiosis first and this is mitosis or meiotic second. Meiotic first is reductionary, or you can say RD also reductionary, and produce two cells known as secondary spermatocytes containing haploid number of chromosomes, and these cells divides mitosis or meiosis second. This is mitosis type, and four cell, these are two and these are four cell, and these four cells having ploidy, that is two X, and this is known as spermatids. This is known as spermatids. Spermatids are the male gametes, but each spermatids transform into sperm. This is sperm. You can see the spermatids. Before spermatids are called spermatozoa. Spermatozoa produced in four in number and by meiosis second division, and these spermatozoa also transform into spermatic or sperm, and this phenomenon is known as spermatogenesis. देखिए यहाँ पर ये जानना है कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जो अंतर जो सबसे भीतरी लेयर होती है वह जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया की होती है. ये स्पर्मेटोगोनिया टू एक्स के होते हैं, और ये जब डिवीजन करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो पहले डिवीजन करता है वो माइटोसिस से, ये माइटोसिस, और जो माइटोसिस से करते हैं तो इनके ईच सेल जो है टू एक्स के बनते हैं. जब ये काफी संख्या में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं तो इनमें से एक ग्रुप पेरियोडिकली माने ये इंटरवल पर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये डिवीजन करना शुरू करते हैं मियासिस फर्स्ट, और मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जिनकी संख्या दो हो जाती है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या एक्स होती है. फिर ये क्या करते हैं, जब दूसरी बार डिवीजन करते हैं तो उसको बोलते हैं माइटोसिस सेकेंड या मियासिस सेकेंड, और मियासिस सेकेंड जो होता है बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, और इसलिए इनसे जो सेल्स बनते हैं उनको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ. क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ. और ये स्पर्मेटोजोआ का जो क्रोमोसोम नंबर है, जो इनका हैप्लॉइडी है, प्लॉइडी है, वह एक्स की होती है, और ये फोर ही नंबर होते हैं, चार की संख्या में होते हैं. लेकिन जितने भी स्पर्मेटोजोआ होते हैं ये अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, और दीज स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड और स्पर्म. ये ट्रांसफॉर्म होकर इनमें कुछ रूपांतरण की क्रियाएं होती हैं, और ये फिर स्पर्म बनते हैं, और इस क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. और ये जो स्पर्म होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल से ये रिलीज होकर रीटी टेस्टिस एंड वास इफरेंस एंड थ्रू एपिडिडाइमिस एट लास्ट बाय वास डिफरेंस दे रीचेस टू सेमिनल वेसिकल एंड देयर दे रिसीव सेमिनल प्लाज्मा फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, एंड दिस प्लाज्मा मिक्स अप व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, एंड प्लाज्मा इज नेसेसरी फॉर इट्स मैच्योरिटी.
दिस कंडीशन स्पर्म विद प्लाज्मा नोन एज सीमेन, दिस इज नोन एज सीमेन, सीमेन। ईच एंड एवरी स्पर्म, अगर हम स्ट्रक्चर इस क्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं, रिलीज होना वहां तक पहुंचना, लेकिन हम इनकी अगर हम ये देखें कि इनकी जो एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पार्ट और टेल। हेड कंटेंट से एंटीरियर पार्ट लाइक पॉइंटेड नोन एज एक्रोसोम विच इज फिल्ड विद इंजाइम, ये इंजाइम से भरे होते हैं और इनकी इंजाइम जो है हेल्प इन द एंट्रेंस विद या फ्यूजन विद ओवम, ये ओवम के फ्यूज होने में सहायता करते हैं। हेड के पास न्यूक्लियस होता है विच गवर्न द एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म। मिडिल पार्ट रिच इन माइटोकांड्रिया, मिडिल पार्ट में माइटोकांड्रिया की संख्या अधिक होती है और माइटोकांड्रिया प्रोवाइड सिनर्जी फॉर द एक्टिविटी ऑफ टेल एंड मोटिलिटी। सो वी कैन से दैट द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द मैकेनिज्म इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म। जनरली इन ए कोइटस 2 million, जनरली ए कोइटस 200 to 400 million स्पर्म्स आर प्रेजेंट, इन विच 60% स्पर्म्स आर नॉर्मल इन साइज, ऑल्सो 40% ऑफ देम आर वेरी एक्टिव एंड 10 pods इन फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से ये गैमेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया थी इनको हमने बताया, और ये जो मेल गैमेट्स हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन है ये किस प्रकार से फिर ये रिलीज होते हैं और ये इनके पार्ट्स क्या हैं और ये किस प्रकार से फिर एक्टिव बने रहते हैं इनको हमने बताया। द नेक्स्ट वन इज द सेकेंड पोर्शन नोन एज ओजिनेसिस। ओजिनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरी, बट ओजिनेसिस जस्ट रिवर्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मैकेनिज्म स्टार्ट्स विद द एज ऑफ प्यूबर्टी, वेयर एज ओजिनेसिस स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। ओवरी के डेवलपमेंट में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर जो चलता है, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जब ओवरी फॉर्म होता है तो ओवरी के अंदर ये ओजिनेसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इन द ओवरी ओगोनिया आर फॉर्म एंड ओगोनिया हैविंग 2x क्रोमोसोम नंबर एंड आल्सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ओगोनिया स्टार्ट्स मियोटिक फर्स्ट डिवीजन एंड दीज ओगोनिया स्टार्ट्स मियोटिक फर्स्ट डिवीजन आर नोन एज प्राइमरी ओसाइट्स, दिस इज प्राइमरी ओसाइट्स। व्हेन द प्राइमरी ओसाइट्स कंटिन्यू इस कंटिन्यूइंग इन डिवीजन, ए ग्रैनुलोसा सेल्स लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड द प्राइमरी ओसाइट एंड इन दिस वे प्राइमरी ओसाइट्स व्हेन इज सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा लेयर इट इज नोन एज प्राइमरी ओसाइट्स, दिस इज नोन एज प्राइमरी ओसाइट्स। प्राइमरी ओसाइट्स आफ्टर सम डेज also surrounded by many layer of granulosa layer and a theca layer and it is known as secondary oocytes and this is known as secondary follicle, this is known as
देखिए यहां पर जो प्राइमरी ओसाइट्स है, जब वो माइटोसिस मियासिस फर्स्ट डिवीजन में जब वो प्रवेश करता है, तो ज्यों ही प्राइमरी ओसाइट्स में मियासिस फर्स्ट डिवीजन शुरू होता है, उसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल का एक लेयर बन जाता है। तो प्राइमरी ओसाइट्स के ऊपर जब ये चारों तरफ जब ग्रैनुलोसा सेल का लेयर बनता है, तो हम उसे कह देते हैं प्राइमरी फाल्किन। इसके बाद मियासिस डिवीजन चल रहा है प्राइमरी ओसाइट्स में, और ग्रैनुलोसा लेयर का कई लेयर बन जाता है। जब कई लेयर बन जाते हैं, तो हम उसी को कह देते हैं सेकेंडरी फाल्किन, और उसमें एक थीका लेयर बनता है। और जब थीका लेयर सेकेंडरी फाल्किन के अंदर, जब थीका लेयर डिवाइड इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना एंड आल्सो ए कैविटी फॉर्म्ड विथ फ्लूइड फील्ड एंट्रम, देन इट इज नोन एज टर्सियरी फाल्किन, देन इट इज नोन एज टर्सियरी फाल्किन। टर्सियरी माने कहने का मतलब यह है, जब प्राइमरी ओसाइट्स जब वो डिवीजन करना शुरू करता है मियासिस फर्स्ट, तो उसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल का एक लेयर बन जाता है, और जब लेयर बन जाता है, तो उस प्राइमरी ओसाइट्स को हम प्राइमरी फाल्किन कहते हैं। फिर उसके ऊपर अनेक लेयर ग्रैनुलोसा के बन जाते हैं, और जब अनेक लेयर बन जाते हैं, तो हम उसी कह देते हैं सेकेंडरी फाल्किन। सेकेंडरी फाल्किन में एक लेयर थीका का बनता है, जो थीका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। जो ही वो दो पार्ट में बनता है, फिर हम उसे टर्शियरी फाल्किन कहते हैं। और टर्शियरी फाल्किन का एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम विद फ्लूइड फील्ड एंट्रम। इसका मतलब यह है कि टर्शियरी फाल्किन में जो एंट्रम बनता है, वह एक कैविटी होती है, वह फिल्ड विद फ्लूइड, एक उसमें लिक्विड भरा होता है। और जब एंट्रम का फॉर्मेशन बन जाता है टर्शियरी फाल्किन में, तो हम उसी को कह देते हैं कि अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो ये प्राइमरी ओसाइट है, वह डिवाइड करके एक सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है, फिर पोलर बॉडी बन जाता है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी ओसाइट के पहले वो प्राइमरी फाल्किन बनता है, फिर सेकेंडरी फाल्किन बनता है, फिर टर्शियरी फाल्किन बनता है, और टर्शियरी फाल्किन बनते बनते उनके अंदर का जो न्यूक्लियस है, वो मियासिस फर्स्ट का डिवाइड हो जाता है, उसमें एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है और एक पोलर बॉडी। पोलर बॉडी आल्सो मे बी डिवाइड आर डिस्ट्रॉयड, वह डिवाइड भी हो सकता है या फिर वो नष्ट भी हो सकता है। बट सेकेंडरी ओसाइट्स आल्सो सराउंडेड बाय ए पेरिसुडा लेयर एंड द फाल्किन इज आल्सो नोन एज ग्रैफियन फाल्किन विद इन द ओवरी। जब ये ग्रैफियन फाल्किन जब बन जाता है, और उसके भीतर ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, वो जब पेरिसुडा लेयर से सराउंड हो जाता है, तो हम उसे कह लेते हैं कि अब ये सेकेंडरी ओसाइट और ये ग्रैफियन फाल्किन आर मैच्योर्ड एंड रिलीज आउट फ्रॉम द ओवरी, एंड दिस इवेंट इज नोन एज ओवुलेशन। माने जब ये ओवरी के अंदर ये जब ये घटना बनती है, तो फिर ये ओवुलेशन होता है। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम के बारे में आप ध्यान दीजिए कि प्राइमरी ओसाइट का जो डेवलपमेंट है, जो मियासिस फर्स्ट का जो उसका डिवीजन स्टार्ट होता है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। और जितने भी प्राइमरी ओसाइट्स हैं, नियरली ए कपल ऑफ मिलियन 20 लाख, माने 20 लाख ये प्राइमरी ओसाइट्स आर फॉर्म, और ये प्राइमरी ओसाइट मियासिस फर्स्ट में डिवीजन करते हैं। इसके
बार वो प्राइमरी फाल्की बनते हैं। प्राइमरी फाल्की का मतलब कि हर स्पर्मेटोसाइट के बाद वो एक लेयर बनती है ग्रैनुलोसा की, तो ये प्राइमरी फाल्की। तो जो प्राइमरी ओसाइट है मियाटिक फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट कर दिया बिफोर द बर्थ इन द ओवरी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही बर्थ से पहले ओवरी के अंदर ये जो प्राइमरी ओसाइट है वो डिवीजन शुरू कर लिया, यहां तक कि वो प्राइमरी फाल्किल बन गया। और प्राइमरी फाल्किल बनने के बाद वो बर्थ ले लेता है, बच्चा बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद इनकी संख्या बाहर आते समय जहां पर ये प्राइमरी ओसाइट की संख्या 20 लाख है वो 60 to 80,000 हो जाए। अब सोचिए 60 से 80,000 तक ही ये प्राइमरी ओसाइट अंडर द प्राइमरी फाल्किल आर लेफ्ट, ये बचे रह जाते हैं। इसके बाद एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आफ्टर बर्थ एट द एज ऑफ प्यूबर्टी अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन लाइक LH एंड FSH द इवेंट्स ऑफ ओवुलेशन टेक्स प्लेस एंड ओवम दैट इज सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ग्रेफियन फाल्किल रिलीज आउट। इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो ये जो ओजिनेसिस की घटना है यह होती है, और इस प्रकार से ये ओवुलेशन की क्रिया प्यूबर्टी के समय जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन के प्रभाव में ग्रेफियन फाल्किल के डिस्टर्ब होने से उनके रफ्चर्ड होने से ये ओवम बाहर निकलते हैं। लेकिन जो ये ओवम बाहर निकलते हैं ये वेरी क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि उसमें केवल मियाटिक फर्स्ट ही कंप्लीट रहती है और वो सेकेंडरी ओसाइट ही बनी रहती है। और पोलर बॉडी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पोलर बॉडी आगे भी वो डिवाइड हो सकता है या फिर वो नष्ट हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट वो एक्स क्रोमोसोम की स्थिति में वो बना रहता है। और इस फाल्किल को हम ग्रेफियन फाल्किल कहते हैं। तो इस प्रकार ये ओवरी में ओवम बनने की क्रिया है और इस टेस्टिस में स्पर्म बनने की क्रिया है। इसके बाद अब ये प्रकरण समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।